ओके हमने ये कुछ किया था जनरली जो बनाया था, और ऊपर के पैनल में हमने बिल्ड पैनल की बात की है। बिल्ड पैनल के बाद हमने बात की है सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन के बाद बात किया मॉडल का कद, मॉडल के बाद हम ओपनिंग भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम वापस आ जाते हैं रूम एंड एरिया टैग, ये एक पैनल रह जाता है हमारा आर्किटेक्चर टैब के अंदर। रूम एंड एरिया टैग के अंदर क्या है, किसी एरिया को आपको टैग करना है तो एरिया टैग काम आएंगे, किसी रूम को टैग करना है तो रूम काम आएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑटो कैड में कोई फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं, फ्लोर प्लान क्रिएट करने के बाद आप उस रूम में अंदर जाके लिखते हो ना, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये सारी आइटम लिख, जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो, वही सेम चीज़ आप अगर रेविट पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूम एंड एरिया, यानी कि रूम की टैगिंग आप इसकी हेल्प से कर सकते हो और एरिया को टैग आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। पहले बात करते हैं रूम टैग्स की। अगर आपका ऑलरेडी आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर रूम टैग का ऑप्शन है, शॉर्टकट है RM, अगर आप इस रूम टैग को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कर्सर लेकर यहाँ आते हैं, ये एक रूम डिफाइन हो सकता है, नाम हम कोई भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, कोई भी बाउंड्री हो उसको लेकिन अपने आप रूम बनाएगा, अपने आप क्लोज बाउंड्री होना चाहिए। बट आपने यहाँ अगर लिया वो है, डोर है तो फिर उसको ऐसा। एक सेकेंड, अभी होने तो सारी चीज़ आ जाएंगी। हमने क्या किया, हमने यहाँ से रूम टैग सेलेक्ट किया, रूम टैग सेलेक्ट करके आप अपने रूम के अंदर आइए कर्सर लेकर, तो आपको यहाँ एक टैग नज़र आएगा, और आप देखो आपको थोड़ा ब्लू कलर से कुछ बाउंड्री हाईलाइट भी कर रहा है, वो इतने एरिया को टैग कर रहा है जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि वॉल के इनर फेसेस को ले रहा है। अब ये एरिया नज़र आ रहा है आपको, अगर मैं फिलहाल एक स्पेस रख देता हूँ, फिलहाल ये डिफाइन हुआ, एस्केप करके मैंने कमांड से बाहर गया, मैं ऊपर से मैं एक सेक्शन लेता हूँ, यहाँ से ऐसे मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद सेक्शन को मैं इस सेक्शन पर जा रहा हूँ, और मैं इस बाउंड्री को यहाँ से ये, बट मेरा लेवल तो यहाँ तक है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हाइट में भी एक वैल्यू है जो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज में नज़र आ रही है। लिमिट ऑफसेट कहाँ जा रहा है, 4000 पर। हमारा जो रूम है, उस रूम की हमारी कैलकुलेशन ये है, हम इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग भी करके इस फेस पर या इस फेस पर कहीं छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, तो वो 3000 पर जा करके रुक जाएगा। अब अगर आपको प्रैक्टिकली आपने उसके अंदर सीलिंग लगाया हुआ होगा, तो वो सीलिंग तक की हाइट ही आपको मेंशन करनी होगी अपने रूम के अंदर, क्योंकि अगर आपको रूम का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है तो उस वक्त हाइट का रोल आ जाएगा। अगर आपकी हाइट सही नहीं होगी तो आप वॉल्यूम सही कैलकुलेट वो नहीं करेगा, इसलिए ज़रूरी है हाइट भी डिफाइन करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइट के लिए आपको सेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ये मैंने जानबूझकर बनाकर दिखाया कि हाइट भी रोल में आती है। जब आप ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ रहे हैं, ये आपने रूम स्पेसिफाई किया था, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और वापस देखो ये कह रहा है, अ रूम वॉज डिलीटेड फ्रॉम ऑल मॉडल व्यूज बट स्टिल रिमेन्स इन दिस प्रोजेक्ट। अभी भी है, ऐसा नहीं है सेक्शन में, नहीं अभी सेक्शन में भी नहीं दिखेगा आपको कुछ। आपको यहाँ यहाँ कौन सा ब्राउजर खुला है, प्रोजेक्ट ब्राउजर। मैं यहाँ ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ब्राउजर, ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है सिस्टम ब्राउजर, मैंने सिस्टम ब्राउजर को ओपन किया, ओपन करने के बाद थोड़ा इस विंडो को बड़ा किया, यहाँ पे क्लिक किया, सिस्टम्स है, इसको एक्सपेंड करें, अगर जोन्स डिफॉल्ट नहीं है, एचवीएसी रूम का स्पेस जाता है कहाँ गया है, यहाँ आर्किटेक्चरल नहीं आएगा, ठीक है अभी देखते हैं ये ओवरराइट करेगा तो हमें क्लियर हो जाएगा। हमने रूम स्पेस सेलेक्ट किया, यहाँ जा करके हम हाइट मेंशन करेंगे, लेकिन हम पहले ये भी देख लें कि हमने जो स्लैब यूज़ किया है ऊपर, इसकी थिकनेस कितना है, 150, तो 3000 में से आप ये घटाइए तभी जो ही आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल रहा है, ड्रैग कर लूंगा अपने।
या ड्रैग कर लो। तो आप जाइए आर्किटेक्चर टैब रूम, यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 2850 एग्जैक्ट हाइट। अब आप यहाँ आ गए, पहला रूम ये है, दूसरा, तीसरा, हमने जब मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ अब ये क्या कर रहा है, इसको पूरे को एक मान रहा है, इसको भी और इसको भी, क्यों? क्योंकि यहाँ ओपनिंग है, कोई डोर कोई बैरियर नहीं है, कोई डोर कोई विंडो ऐसा कुछ ऑप्शन, ओपन पैसेज है, ओपन पैसेज है, ये पूरे को एक ही टैग कर रहा है, लेकिन मुझे टैग अलग अलग करना है भाई, ये स्पेस मुझे अलग दिखाना है, ये स्पेस मुझे अलग दिखाना है। तो आप उस टैग को प्लेस करना चाहें प्लेस कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहें बाद में भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने प्लेस कर दिया, क्योंकि प्लेस करने के बाद ही तो मुझे आइडिया हुआ कि उसने पूरे रूम को हाईलाइट कर दिया, कोई बात नहीं, फिलहाल बाकी सबको मैंने एक साथ टैग कर दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये स्पेस दो अलग अलग जगह डिवाइड करना है, तो जहाँ से आप रूम टैग लगा रहे थे उसी के साइड में एक ऑप्शन है रूम सेपरेटर, रूम सेपरेटर में जा कर के मैं उस एरिया को सेपरेट कर सकता हूँ। मैंने बोला इसको सेपरेट कर दो, अब आप जाकर सेलेक्ट करिए, उसने उससे उसको सेपरेट कर दिया, अब ये स्पेस खाली हो गया, आप जाइए यहाँ पर अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ये 2D प्लान आपने लगा दिया, अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, सर मैं इनको नेम देना चाहता हूँ हर किसी चीज़ को, आप यहाँ गए, आपने एक क्लिक किया, आपने दूसरा क्लिक किया, ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा, आप वहाँ जाके मेंशन कर दीजिए ये हमारा किचन है, नंबर भी ये हमारा, हाँ अगर आप मैं चेंज करना चाहते हैं हर चीज़ वो भी हट जाएगी, अभी अभी बात करें, ये है हमारा बेडरूम, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मान लीजिए लॉबी, ये कर दीजिए ड्राइंग रूम या लिविंग रूम कुछ भी, गेस्ट रूम कर दो चलो, ये हम कर देते हैं चलो जी चाइल्ड रूम, और बाथरूम आप नेमिंग दे सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल सर हमें केवल नेम चाहिए नंबर नहीं चाहिए, किसी भी टैग को सिलेक्ट करेंगे SA सारे टैग सेलेक्ट हो जाएंगे, आप एडिट टाइप पर जाएंगे, एडिट टाइप पर जाकर यहाँ शो रूम नंबर एक्टिव है, फिलहाल आपने वो अनटिक किया, ओके किया, आपका नंबर हट गया। सेकंड, आपने बोला कि सर स्पेस जो है कंजेस्टेड है, अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, मैं इसका साइज भी छोटा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ऑटो कैड की तरह एक लीडर लाइन अटा के बाहर लिख दो। जब आप टैग को सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ नीचे मूव के ऑप्शंस मिलते हैं ड्रैग करने के लिए, अगर आप इस हैंडल को सेलेक्ट करके उस को स्पेस उस रूम से बाहर लेकर आते हैं वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क, वो डिफाइन नहीं रह पाता, उसे वापस मूव टू रूम का ऑप्शन किया पहले, इसको बाहर करने से पहले आपको लीडर लाइन ऑन करना पड़ेगा, ये डिसेबल्ड है, मैंने लीडर लाइन को इनेबल किया, इनेबल करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं उसको ऐसे बाहर ले जा रहा हूँ, हमने वो बाहर प्लेस कर दिया, एक लीडर लाइन दिख रही है बट लीडर लाइन के हेड पर कुछ नहीं है, जैसे एरो होना चाहिए या कोई डॉट होना चाहिए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया वापस से, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ एडिट टाइप का ऑप्शन है, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेडर एरो हेड, वो क्या है, नन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने बोला यार मुझे एरो चाहिए फील्ड, अप्लाई, ओके, अब आप चेक करिए एरो आ गया, लीडर लाइन को सेलेक्ट करके आप पॉइंट से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंडली, अब ये भी तो सर इसमें अलग अलग हुआ है,
हाँ, वहाँ है, एक्सप्लोर करना ना, बैठ कर डॉट आ जाएगा या नहीं आएगा, हटा सकते हो। जब हम पैटर्न डिस्कस करते हैं ना, तो एक दो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा होती हैं, आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं बैठ करके। वही बताता है आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट डे सेम क्लास का डाउट कभी होते ही नहीं है। पता नहीं एक एक हफ्ते पुराने डाउट्स पूछते हैं, तो समझ नहीं आ रहा किस स्पेस पे आप लोग चल रहे होते हैं। हम लोगों ने रूम्स डिफाइन किए अभी फिलहाल। पहली चीज़ तो ये कि चलिए इसमें हम एरिया लिखना चाहते हैं, वॉल्यूम लिखना चाहते हैं, वो सब तो चल जाएगा। मैनुअली होएगा ना? लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फिलहाल ये है कि हमें और क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे हम आर्किटेक्चरल प्लान्स कभी देखते हैं, उनमें स्पेसिस में अलग अलग कलर फील्ड होते हैं, और बाहर एक लीजेंड बना होता है बेसिकली कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, कि इस कलर में वहाँ क्या है। अगर आप लीजेंड क्रिएट करना चाहते हैं, तो रूम तो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखे हैं। आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एनालाइज टैब पर आएंगे। एनालाइज टैब में आपको एक टूल मिलता है कलर फिल लीजेंड क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं सैम्पल में भी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ से इस कलर फिल लीजेंड टूल को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, कर्सर यहाँ लाता हूँ, तो देखिए वो आपको एक ऑप्शन दिखाता है रखने के लिए। कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा, पहले आप क्लिक करिए वहाँ। जैसे ही क्लिक करेंगे, वो पूछ रहा है कि आप क्या है, आपके पास स्पेस क्या है। हमने रूम बनाए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना होगा, स्पेस टाइप रूम्स। आपने रूम सेलेक्ट किया। कलर स्कीम आप किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, दो ही ऑप्शन दिखा रहा है फिलहाल, नेम के अकॉर्डिंग के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट हमने डिफाइन नहीं किया, हमने डिफाइन किया है नेम। तो हमने यहाँ से नेम को सेलेक्ट किया। नेम को सेलेक्ट करके मैंने जैसे ही ओके किया, वो उसके अकॉर्डिंग उसको कलर स्कीम दे देगा। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से आपके माइंड में ये आ जाता है कि सर अंदर भी टेक्स्ट लिखा है नाम, बाहर भी नाम लिखा है, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है डबल डबल। या तो अंदर एरिया आ जाए बाहर नाम आ जाए, या अंदर नाम है तो बाहर एरिया आ जाए, कुछ अलग हो एटलीस्ट। हमने अपने लीजेंड को सेलेक्ट किया। लीजेंड को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है एडिट स्कीम। आप एडिट स्कीम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इस विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम कलर कोडिंग किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला सर हमें कलर कोडिंग चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिया। ओके करिए, ओके करिए, उसके अकॉर्डिंग उसने कलर कोडिंग चेंज कर दी। अंदर से कलर चेक करिए, बाहर उसका एरिया चेक कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा उल्टा करना चाहिए। मैंने बोला सर ये जो टैग हैं, एक टैग को सेलेक्ट किया, ऐसे प्रेस किया, एडिट टाइप में मैं जा रहा हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद मैंने बोला मुझे एरिया शो करना है, एरिया शो करना है, लेकिन यहाँ नेम हटाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने नेम डिफाइन किए हैं बेडरूम एंड ऑल, वो हटाने का ऑप्शन नहीं है। एरिया ऐड करने का ऑप्शन ज़रूर है, एरिया ऐड हो गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो नाम वहाँ से हटा करके मैं नाम यहाँ डाल दूँ। मतलब मैं इस लीजेंड को तो एडिट करके यहाँ नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है इसको रिमूव करने का, क्योंकि टैग की प्रॉपर्टी में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ से मैं उसको रिमूव कर सकूँ। हमें करना क्या होगा, आप किसी भी एक टैग को सेलेक्ट करें, बेसिकली ये डाटा फैमिली से आ रहा होगा कहीं ना कहीं। हमने एक टैग को सेलेक्ट किया, हमने बोला अब मैं उसकी फैमिली को एडिट करना है। अब एडिट क्या करना है, आप एडिट फैमिली पर जाइए। आप एडिट फैमिली पर जाते हैं, जाने के बाद आपने बोला सर हमें रूम नेम वहाँ नहीं चाहिए। हमने रूम नेम को सेलेक्ट किया और इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दी। अब वॉल्यूम को सेलेक्ट किया, इसकी विजिबिलिटी है नहीं, विजिबिलिटी काम करेगी कि नहीं ये भी नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं पहले। लोड इन टू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं करना है, ओवरराइट करना है। हाँ, विजिबिलिटी आपने ऑफ कर दी। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फैमिली की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडिट करने में उसने हमें ये टूल दे रखा था हाइड करने के लिए। ये आ गया। अब आप इनको ड्रैग तो कर सकते हो रूम में, अंदर ड्रैग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाहर ड्रैग करने में ज़रूर प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ हो गई। सेकेंडली, अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि
भैया 10 फिट इसकी विड्थ है, 10 फिट इसकी डेप्थ है, 10 बाई 10। तो आप नंबर ऑन करो और नंबर पे लिख दो 10 फिट क्रॉस 10 फिट टेक्स्ट में, वो मैनुअली ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो एरिया निकाला इसने जी, अपनी हाइट एरिया मतलब स्क्वायर मीटर में है तो ऑब्वियसली लेंथ और विड्थ उसने मिला दिया। अब इसने कंसिडर क्या किया है, आप थोड़ा ध्यान दो, वॉल जब आपने बनाई थी वॉल सेंटर से वॉल सेंटर तक डिफाइन की थी, तो उसने एरिया भी सेंटर से सेंटर ही काउंट किया है। ठीक है, ओके, ये उसका ऑप्शन नहीं है कि सर सेंटर से ना करो फेस से। हमने सेलेक्ट किया टैग को, एडिट टाइप पर गए, जहाँ से जैसे एरिया को एक्टिव किया था ना वैसे आप शो वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी नॉट कंप्यूटेड आ रहा है, उसने कैलकुलेशन नहीं की। आप लेट हैं, ओके, तो उसने ये कैलकुलेशंस नहीं की। अभी हम चेक करते हैं स्पेस को, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऑफसेट है 2850 का। अगर हम इन सब स्पेसेस का जो लिमिट ऑफसेट है उसको कर देते हैं एग्जैक्ट 3000, सबका वेरीज क्यों कर रहा था, सेम होना चाहिए था क्या, एक को ही एडिट किया था हमने। वॉल्यूम बेसिकली रूम टाइप करता नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना एनालाइज टैब में एक चीज़ होती है स्पेस, जब हम स्पेस कैलकुलेशन पर आते हैं वहाँ हमारा वॉल्यूम कैलकुलेशंस होती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेशन हम करते हैं जब हमें लाइट कैलकुलेशंस करनी होती हैं, हीट लोड कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उन सब कैलकुलेशंस के टाइम पर हमारा ये कैलकुलेशंस हो जाएगी स्पेस में। फिलहाल ये जो रूम टैग्स हमने बनाया इतना क्लियर है आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये जो ग्राउंड है जैसे एक व्यू है मगर आपको तो जनरल एक वो भी चाहिए फ्लोर प्लान जैसा पहले था, तो हम यहाँ ग्राउंड पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट डुप्लीकेट उसका, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमने बोला हमें उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। लेकिन उस डुप्लीकेट पर आप चाहते हैं कि हमें ये स्पेसेस भी दिखाई ना दें, आप जब वहाँ जाएंगे ग्राउंड पर वहाँ भी डिलीट हो गए, दोनों जगह डिलीट हो गए। तो हम यहाँ जब जाएंगे कॉपी पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको इस व्यू के अंदर हाइड करेंगे। अब वहाँ देखना है यहाँ एज इट इज, एक में हमने परमानेंटली हाइड करके छोड़ दिया तो हमारे पास नॉर्मल भी हो गया और यहाँ हमारे पास ये भी आ गया। तो सर ये फाइल एक ही रहेगी, प्रोजेक्ट तो एक ही है, डुप्लीकेट में चेंजेस से डुप्लीकेट सेम सेम होते रहेंगे तो कॉपी नहीं बनी ना उसकी, ये उसी फाइल के अंदर हो गया यार, प्रोजेक्ट वही है, प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, फ्लोर प्लान का डुप्लीकेट किया, प्रोजेक्ट का थोड़ा ना किया, तो फाइल तो एक ही रहेगी। अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो उसमें चेंज होगा क्या, चेंजेस जैसा कि डुप्लीकेट के अंदर भी चेंज होगा, मतलब आपको क्या चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डोर है, नहीं मैं जस्ट ये बोल रहा हूं मेन फाइल है, अरे मान लो आपने ये डोर पकड़ के यहां कर दिया, आप वहां जाएंगे कॉपी में वो भी वहीं जाएगा, डुप्लीकेट का फाइल यार हमारी कोई रिक्वायरमेंट थी ना दोनों अलग-अलग, जब हम आगे चल के शीट बनाएंगे तो शीट पर हमें एनोटेशंस लीजेंड्स के साथ एक अलग प्लान चाहिए और विदाउट लीजेंड्स अलग से फ्लोर प्लान चाहिए, तो हमें अलग अलग क्रिएट, ऐसा नहीं ना कि हम एक बार उसको, अगर मुझे ऑप्शन बनाने हैं सपोज दैट कि यार एक डोर का ऑप्शन ये बना दो, इसी मॉडल में एक डोर का ऑप्शन ये बना दो, तो वहाँ चेंजेस करने हो तो मुझे एक बंदा कह रहा मुझे डोर इधर वाले पे दिखाओ, एक बंदा कहता है इधर वाले पे दिखाओ, इस केस में चेंज तो हो रहा है ना, उस केस में तो चेंज हो रहा है, उसके लिए फिर फाइल ही रखनी पड़ेगी, कॉपी करके कर तो सकते हो लेकिन हमारे पास हमारे यहाँ तो ऐसे ऑप्शन देने पड़ते हैं हमको, तो
क्लाइंट को ऑप्शन भेजने पड़ते हैं, ये दो ऑप्शन तीन ऑप्शन। चलो उसकी बात करेंगे, है ना, उसकी बात करेंगे अभी। फिलहाल जो हमारा मेन टारगेट था ये रूम टैक्स, ये क्लियर हो गया क्या कर रहा है। अब आगे यह भी हो सकता है कि आपसे गलती से रूम तो डिलीट नहीं किया आपने, टैग डिलीट कर दिया, और बाद में आप ये चाहते हैं वो टैग वापस आ जाए, तो आप सिंपली टैग रूम पर जाइए, आप कर्सर वहाँ लेकर जब जाएंगे तो जो टैग वहाँ से डिलीट हुआ है वही वापस आ जाएगा। बेसिकली जब आप रूम डिफाइन करते हो ना, तो यहाँ टैग ऑन प्लेसमेंट ऑन होता है। अगर ये बाई एनी चांस आप ऑन करना भूल जाएं, आप रूम तो डिफाइन करोगे लेकिन टैग नहीं आएगा, बाद में आपको टैग लगाना पड़ेगा ऐसे केसेस में। तो मैंने इस टैग पे अगर मैं जाता हूँ ना, सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरा स्पेस सेलेक्ट कर रहा है, ये डिलीट किया मैंने, उसने खाली टैग डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ एक और ऑप्शन आता है, यानी कि मैं मैनुअली वन बाय वन नहीं करना चाहता, मैं ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जो भी ऐसे हैं जिनमें टैग नहीं है उन सबको टैग कर दो। क्या टैग करना है? रूम टैग, यहाँ गया अप्लाई, ओके, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं रूम्स की। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है एरिया टैग। एरिया टैग को यूज़ करने के लिए पहले आपको एरिया डिफाइन करना ज़रूरी है, एरिया प्लान कौन सा है। मान लीजिए आपके पास ये एक फ्लोर का पूरा प्लान है, लेकिन आप इसमें से कुछ स्पेसिफिक एरिया रेंट पर देना चाहते हैं, तो आप केवल कैलकुलेशन उस एरिया को अलग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने एरिया प्लान को डिफाइन करिए कि एरिया प्लान कौन सा है। हमने बोला यार हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, डुप्लीकेट ना करें, यही है क्लियर। कह रहा है ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर ले एक्सटर्नल वॉल के साथ, तब तो पूरा ही आ जाएगा, लेकिन मुझे तो कुछ स्पेसिफिक करना है अगर, तो मुझे नो करना पड़ेगा। अगर आप यस करेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, जब आप नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल्ड हो गया एरिया बाउंड्री, यानी कि अब मेरे पास कंट्रोल है, मैं खुद से डिफाइन करूँगा मुझे कितना एरिया काउंट करना है। अब आपको कारपेट एरिया चाहिए तो आपको एरिया वॉल के इनर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आप एरिया बाउंड्री को मैंने सेलेक्ट किया, आपके पास ये टूल आ गया, आपको जितना एरिया भी कैलकुलेट करना है वो आपकी नीड है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, क्या क्या एरिया आपको कैलकुलेशन में लाना है, क्या एरिया आपको कैलकुलेशन में नहीं लाना, ये सारे डिपेंडेंस। जैसे फ्लोर नहीं कर तो आप पूरा भी सकते हो। नहीं नहीं, पहले ऑटोमेटिक जो आ रहा था ना, हाँ ये तो बाहर से बाहर एक्सटीरियर को लेता बिल्कुल। नहीं नहीं, रूम के वॉल के अंदर से आधा ले रहा था ना, थोड़ा सा वॉल को सेंटर से सेंटर। हाँ, सेंटर ले रहा था। अभी जैसे भी हम चाहें, हमने ये कुछ एरिया बनाया, रैंडम बनाया मैंने जानबूझकर, एक एरिया डिफाइन हो गया। अब एरिया बाउंड्री डिफाइन हो गई, अब हम उस पर एरिया टैग अप्लाई कर सकते हैं। एरिया, जब मैं कर्सर लेकर यहाँ आऊँगा तो देखो ये आ गया आपका एरिया, तो ओवरऑल बाउंड्रीज में एरिया को आपने ले आए। नाउ टैग एरिया अगेन वही काम करेगा कि अगर आपने एरिया डिफाइन किया उस पर टैग नहीं लगा बट एरिया डिफाइंड है, तो आप बाद में टैग एरिया पर क्लिक करके उस एरिया पर वापस से टैग को प्लेस कर सकते हैं। तो ये रूम टैग्स और एरिया टैग्स बेसिकली डिटेलिंग पार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ये टैब होता है रूम एंड एरिया। इसके अलावा ओपनिंग्स हम कर चुके हैं, डेटम के अंदर लेवल और ग्रिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है वर्क प्लेन। आपने देखा होगा जब हमने कल मॉडल टेक्स्ट भी लिखा था, उसके लिए भी हमने वर्क प्लेन की बात की थी। क्या होता है, एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप 3D में होते हैं, आप वर्क प्लेन पी के प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट, और आप किसी भी फेस पर जाकर क्लिक करोगे तो वहीं आपका वर्क प्लेन शिफ्ट हो जाता है। अब मेरा इस वॉल पे वर्क प्लेन आया है या नहीं ये चेक करने के लिए आप वहां से उसे शो कर सकते हैं। जैसे आपने शो पर क्लिक किया, आपको देखो यहाँ वहाँ एक प्लेन नज़र आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका वर्क प्लेन सेट हो गया।
अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं बिना 3D में आए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर वर्क प्लेन सेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला आर पी फॉर रेफरेंस प्लेन, वही चीज़ यहाँ दिख रही है आपको, आर रेफरेंस प्लेन। आपने रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट किया, आपको रेफरेंस प्लेन, आपको वर्क प्लेन इस वॉल पे सेट करना है जो अंदर है इंटीरियर में। तो मैंने क्या किया, उसको टच करते हुए एक रेफरेंस प्लेन बना दिया, ठीक है? नाउ उसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने उसको कोई नाम देना है, मैंने बोला WC, कोई भी आप नाम दे दीजिए। अब वर्क प्लेन वहाँ सेट होगा कैसे? अब आप वापस जाइए सेट वर्क प्लेन के अंदर, जो ऑप्शन आता है ना पिक प्लेन, उसके ऊपर एक और होता है सेट वर्क प्लेन, सेट वर्क प्लेन पर क्लिक करें। तो पिक प्लेन तो हम यूज़ करते हैं जब 3D में कोई फेस सेलेक्ट करना हो। अब हम हैं फ्लोर प्लान पर, वॉल का हमें चाहिए फेस सामने वाला जो दिखना चाहिए एक्चुअली में सेक्शन में या एलिवेशन में। तो हमने बोला यहाँ नाम पर आइए, क्योंकि हमने उस एक रेफरेंस प्लेन बनाया वहाँ जिसको नाम दिया WC, तो वो नेम के अंदर आपको दिखाई देगा रेफरेंस प्लेन WC। आपने यहाँ जाकर इस पर क्लिक किया, WC सेलेक्टेड है, आपने ओके किया। जैसे ओके किया वो पूछ रहा है कि किस व्यू से आपको देखना है। हमने बोला यार साउथ से देखना है, ओपन करो व्यू को। यहाँ पर आप शो पे क्लिक कर सकते हो, ये आपका वर्क प्लेन है डिफाइन हो गया। इसी चीज को अगर आप 3D में देखोगे, 3D में वर्क प्लेन वही है, उस पॉइंट पर वर्क प्लेन वहां है। अगर मैं आपको ग्राउंड कहाँ, ये रहा, ये सेक्शन जो है आपका बना हुआ, इसी सेक्शन को यहाँ ले आता हूँ। इस व्यू को ओपन करते हैं और मैं यहाँ से शो करता हूँ। अच्छा, वो इस व्यू पे भी सेट नहीं है, बेसिकली जिस व्यू पे सेट किया गया है वहीं दिखता है, साउथ में दिख रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मली सेलेक्ट करूँगा तो सामने की वॉल सेलेक्ट नहीं होगी। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ, इसे हाइड करता हूँ, इसे हाइड करता हूँ। देखो दिखाई दिया सामने, यही तो वॉल आ जाएगी ना इसके बाद, स्टीयर के बाद। तो मेरा वर्क प्लेन वही है उसी पोजीशन पर। तो बिना 3D में आए और बिना सेक्शन, इसको सेक्शन वेक्शन काटे, मैं अंदर की वॉल पे भी वर्क प्लेन सेट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आएगा सर फायदा क्या होगा अंदर वाली पे, काम तो मैं कर नहीं सकता ऐसे, काम करने के लिए तो मुझे फिर भी सेक्शन पे ही जाना पड़ेगा, है ना? मैंने बोला नहीं, मैं काम यहाँ भी तो कर सकता हूँ बाहर, बाद में उसे मूव कर दूंगा ले जा करके। भाई मान लो मैंने यहाँ पर वर्क प्लेन मेरा सेट था ये WC के नाम से, और मैंने वॉल पर कुछ कंपोनेंट, कंपोनेंट में जाते हैं, तो लोड फैमिली में एरिया के जाते फेस में हैं। सेक्शन काट के मूव अरे वो तो कर ही सकते हैं ना, करके लाइट एंटर वर्क प्लेसमेंट में कोई अपना है। डिटेल्स, मैंने कोई इमरजेंसी लाइट उठाया, ठीक है, इमरजेंसी लाइट उठाया। इसमें वो टैब नहीं है ऑप्शन डिफाइन, वॉल पे लगने वाला है। इसको चेक करते हैं, वर्क प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक ही चीज़ बचती है जेनरिक मॉडल, आप बना करके देख सकते हो। आपको क्या करना है जी, एक्सट्रूड करना है, यहाँ सेट वर्क प्लेन का ऑप्शन है ऑलरेडी, आप चाहो तो सेट वर्क प्लेन पे क्लिक करके दोबारा से उसी पे क्लिक कर सकते हो, यहीं आएंगे घूम फिर कर, क्योंकि यही आपका प्लेन। मैंने यहाँ आकर के कुछ एक कस्टमाइज स्केच बनाया और उसे 25 mm एक्सट्रूड कर दिया, क्योंकि मेरा लॉजिक समझने की बात है। ये एक मॉडल बनाया मैंने, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ग्राउंड पे देखता हूँ, तो वो देखो यहाँ आया, थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा दो,
इसको मैं सेलेक्ट करके अगर अंदर की साइड मूव करूँगा तो ये एग्जैक्ट देखो उसी वॉल पर आएगा, क्योंकि मेरा वर्क प्लेन वहीं था। आप चाहें तो सेक्शन में जाकर देख लें, या एक और काम कर लो, आप इतने सेक्शन को सेलेक्ट करो और 3D में सेलेक्टेड आएगा, यहाँ से सेक्शन बॉक्स बना दो। देखो जी वही है ना उसी वॉल पे सेट। तो इस तरीके से भी आप उसका वर्क प्लेन का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। वर्क प्लेन जो है वो जैसे अभी ऑटोमेटिक सारी लाइन ग्रिड लाइन आ गई है, उसको फिर अलग अपने स्पेसिफिक दे सकते हैं साइजेस डिस्टेंसेस। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, रेफरेंस प्लेन को दे सकते हो। रेफरेंस प्लेन ही बाद में कन्वर्ट कर रहे हो ना आप, जैसे यहाँ एक रेफरेंस प्लेन बनाया था, अब ये दिखा रहा है ना इससे डिस्टेंस कितनी है। रेफरेंस प्लेन तो डालना पड़ा ना। हाँ तो वो वाला तो एक बार में डल गया सब पे, वर्क प्लेन एक बार में सब पे डल गया। एक बारी मैंने डाला ना, हमने बनाया, अगर फेस था तो फेस से बनाया, अदरवाइज तो ये रेफरेंस प्लेन बनाया, फिर इसी से तो वर्क प्लेन आया ना उस वॉल पे। अगर यहाँ रेफरेंस प्लेन ना होता तो मुझे इसका सेक्शन कट करना पड़ता, तब जाकर मैं उस फेस पर अपना वर्क प्लेन सेट कर सकता था। ये वर्क प्लेन जो है और रेफरेंस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा। रेफरेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा, हाँ 3D में चलेगा। और कोई ऐसा सेक्शन हो कि मुझे एक आर्क के बीच में, आर्क नहीं प्लेन आर्क मतलब बोल ही नहीं सकते मतलब ना, कुछ डायगोनली डायगोनली बना सकते हो। अगर आपने अपना रेफरेंस प्लेन कुछ ऐसे बनाया और आप जाते हो कि सर अब मुझे वर्क प्लेन अपना सेट करना है, आप इसे पिक करो तो ये उसी के नॉर्मल खुलेगा। देखो 3D में व्यू खोल देगा डायरेक्ट, वैसे एंगल पाया ना फिक्स। अगर आप यहाँ जा करके शो भी करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ वो काट रखा है ना सेक्शन बॉक्स, इसे हटाता हूँ मैंने। देखो डायगोनली आया है इस बार, प्लेन का मतलब है प्लेनरी, होगा प्लेनरी, कर्वेट नहीं हो सकता। ये हमारा वर्क प्लेन के कंसेप्ट थे। इसको और फाइन कर सकते हैं जैसे कि एक बार दोबारा ये इस पे ज़ूम करना वॉल पे। हाँ जैसे वर्क प्लेन का ये ब्लॉक्स बने हुए ना, हाँ हाइडन वाले, इसको और डीपली काम करना मुझे, इसको और कम कर सकते हैं ग्रिड साइज। हाँ साइज अच्छा ये ऊपर है बड़ा छोटा ठीक है। अरे ये स्पेसिंग सेकंड चीज रेक्टेंगल वाइज चले। हाँ आप इनसे भी एडजस्टमेंट कर सकते, कोई लिमिटेशन नहीं क्योंकि प्लेन है, स्पेस है, एक अनलिमिटेड स्पेसिफिक वॉल है, मुझे बढ़ाना नहीं चाहता, बस उस पर ग्रिड डालना चाहता हूँ क्योंकि उस पर मुझे वो डालना है और कोई डिज़ाइन डालना है, कर्टन डालना, कुछ डालना है मतलब उस पर रेफरेंस मिल जाए, कहाँ गिलास आएगा, कहाँ खिड़की आएगी। ओके ये सारा टूल जो है हमारे पास